नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके से संबंधित क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला है 1925 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1935 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1940 ईस्वी में। तो दोस्तों, आप बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा है, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम किस देश में हैं? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कि भारत में सॉरी विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम किस देश में रहते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडोनेशिया। तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही है, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदू संहिता के रचयिता कौन थे? ऑप्शन पहला है मनु, ऑप्शन दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन है पाणिनि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इनमें से कौन सा आंसर सही है। दोस्तों, हिंदी संहिता के रचयिता मनु थे। ठीक है, तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, हिंदू संहिता के रचयिता कौन थे, मनु थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम रुपया शब्द का प्रयोग किया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस शासक ने सर्वप्रथम रुपया शब्द का प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है शेरशाह सूरी और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी ने रुपया शब्द का प्रयोग किया था, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम रुपया शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पांचवें क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारा जीके का पांचवा क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? दोस्तों, हम भारतीय नागरिकों के बारे में तो जानते हैं जिन लोगों ने भारत रत्न प्राप्त किया हुआ है, लेकिन पहला विदेशी नागरिक कौन है जो भारत रत्न प्राप्त किया था? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जीना, दूसरा ऑप्शन है शेख मुजीबुर रहमान, तीसरा ऑप्शन है सीमांत गांधी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी नागरिक सीमांत गांधी थे। ठीक है, सीमांत गांधी को प्रथम भारत रत्न दिया गया था और ये सीमांत गांधी विदेशी नागरिक हैं। तो दोस्तों, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी नागरिक कौन है, सीमांत गांधी है। ठीक है, तो दोस्तों, ये पांच क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए और चलिए आगे जानते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत के एक रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ठीक है, तो दोस्तों, भारत के एक रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन वन है आरबीआई के गवर्नर का, दूसरा ऑप्शन है वित्त सचिव का, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री का और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, भारत के एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। दोस्तों, एक रुपये का जो नोट आता है उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, चलिए अब सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा सातवां क्वेश्चन है,
कि विटामिन क्या होता है। दोस्तों विटामिन के बारे में आप सब जानते हैं, तो आप बताइए कि विटामिन क्या होता है। पहला ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, दूसरा ऑप्शन है अकार्बनिक यौगिक, तीसरा ऑप्शन है जीवित जीव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन क्या होता है। तो दोस्तों इसमें से पहला ऑप्शन सही है। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सब सही है, विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर आठवें की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां है हमारा, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर वन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो दोस्तों आप बताइए कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है सही है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अब आठवें क्वेश्चन हो गया हमारा, अब नवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों हमारा नवा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है खेलकूद के क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है सिनेमा और चौथा ऑप्शन है पत्रकारिता। तो दोस्तों आप बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो है पहला ऑप्शन सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दसवें क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमारा दसवां क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई थी। दोस्तों बिहार राज्य में सर्वप्रथम किस आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन वन है सीमेंट, ऑप्शन दूसरा है जूट, ऑप्शन तीसरा है रसायन और ऑप्शन चौथा है लौह इस्पात। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि बिहार में सर्वप्रथम किस आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में सर्वप्रथम किस आधुनिक उद्योग की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों बिहार में सर्वप्रथम सीमेंट की स्थापना हुई थी, सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई थी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, बिहार में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और दूसरे भी क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा 11वां क्वेश्चन है कि बीरबल का असली नाम क्या था। दोस्तों बीरबल और अकबर के बारे में आप सब जानते हैं, तो चलिए आप बताइए कि बीरबल का असली नाम क्या था। पहला ऑप्शन है ताराचंद, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद असलम, तीसरा ऑप्शन है चंद्रसेन और चौथा ऑप्शन है महेश दास। दोस्तों कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी कि बीरबल का असली नाम क्या था। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बीरबल का असली नाम क्या था। दोस्तों बीरबल का असली नाम था महेश दास। तो हमारा चौथा क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्योंकि बीरबल का असली नाम क्या था, तो दोस्तों बीरबल का असली नाम था महेश दास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 12वां क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 12वां क्वेश्चन है हमारा, श्रीमद् भागवत गीता किस पुराण का अंग है। पहला ऑप्शन है श्रीमद् भागवत महापुराण, दूसरा ऑप्शन है विष्णु पुराण, तीसरा ऑप्शन है महाभारत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताइए कि श्रीमद् भागवत गीता किस पुराण का अंग है। तो दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता महाभारत पुराण का अंश है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का ही अंग है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन है कि राज्यपाल को अपने पद से कौन हटा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है संसद और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आप बताइए कि राज्यपाल को अपने पद से कौन हटा सकता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसमें से दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, राज्यपाल को राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 14वां क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन है। दोस्तों कपास का उत्पादक कौन करता है सबसे ज़्यादा।
पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें से पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, संसार में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ठीक है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन पहला है महाराष्ट्र, ऑप्शन दूसरा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन तीसरा है केरल और ऑप्शन चौथा है उड़ीसा। तो दोस्तों आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देर न करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इनमें से दूसरा ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश को सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में भी मैं जीके और जीएस से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।